हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे लोअर पीसी एग्जाम के लिए घटना चक्र टो सीरीज से प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों। और अब तक हमने कई सारे प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं दोस्तों, और सभी सब्जेक्ट के समान ज्ञान, समान विज्ञान और समान हिंदी के रेगुलर हमारी प्रैक्टिस सेट होती है। अगर ये चैनल पे हमारे या इस वीडियो पे पहली बार हमारे आए हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं, जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं सभी के मैंने प्लेलिस्ट बना दी। आप हमारे चैनल पे विजिट करें, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके बाकी सारे प्रैक्टिस सेट कवर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तो आने वाले नए प्रैक्टिस सेट के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा और आप एक भी मिस नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज सॉल्व करते हैं समान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि अगर आप लोअर पीसी एग्जाम में बैठ रहे हैं दोस्तों, प्री एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो एल्बो पब्लिकेशन की तरफ से एक बहुत ही अच्छा नोट तैयार किया गया है जिसका नाम है लास्ट डेज प्रिपरेशन नोट दोस्तों। इसकी कीमत बहुत कम है, इनकी सिर्फ 35 रुपये रखी गई है और पेजेस की जो संख्या है वो है 675 दोस्तों। इसमें 4000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए, यानी मोस्ट एक्सपेक्टेड कहा जा सकता है, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए बेस्ट टीचर और बेस्ट एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया गया है। इनको आप अंतिम दिनों में इन क्वेश्चन को रट के जाएंगे दोस्तों, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाले हैं। और इतना ही नहीं, मैथ रीजनिंग के सिलेक्शन के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक और आपको सारे सब्जेक्ट फ्री 20 मॉक टेस्ट। और एक खास बात और है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो नोट्स है आपका बायलैंग्वल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में सारे क्वेश्चन डाले गए हैं। तो मेरी सलाह यही है, मैं हाईली रिकमेंड अपने छात्रों को करता हूं जो हमारे ये प्रैक्टिस सेट को फॉलो करते हैं, इस नोट्स को आप लोग जरूर परचेस करें। मुझे पता आप बहुत सारी महंगी महंगी बुक्स खरीद चुके होंगे और बहुत सारी खरीद भी लेते हैं, तो यहाँ एक बार मेरे कहने से आप 35 रुपीज़ इन्वेस्ट करके इस बुक को जरूर खरीदें। जितने भी छात्र इच्छुक हैं इस बुक का, इस नोट्स का मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उस पर क्लिक करके नोट्स को जरूर परचेस करें और अपने तैयारी को एक अंतिम दिशा दें दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस नंबर 3 समान विज्ञान का। आप लोग साथ साथ आंसर करते जाइएगा हमेशा की तरह, और वीडियो के एंड में बताना कि कितने क्वेश्चन आपको सही गए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक पॉजिटिव कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 से यहाँ पर स्टार्ट होता है। समान विज्ञान और गणित आपका एक ही में आने वाला है, तो यहाँ पर 76 से केवल समान विज्ञान हम सॉल्व करेंगे। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर आप सभी लोग देंगे फटाफट। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही, यहाँ पर 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। देखिए, निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर दीजिए फटाफट। जी हाँ, 77 नंबर का राइट आंसर सभी लोग, जिसको हम एड्रेनलिन भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वह एक उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, एक हार्मोन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78, देखिए, अतिशीलन सुपर कूलिंग किसी द्रव को डैश शीतल करना होता है? क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर सभी छात्र देंगे फटाफट। जी हाँ, 78 का राइट आंसर बिल्कुल सही उत्तर, 78 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, हिमांग से नीचे शीतल करना होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79, देखिए, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना डैश कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर दीजिए, 79 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? का जो राइट आंसर है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, अपवर्तन। ठीक है, और जिसका फॉर्मूला होता है साइन आई बराबर, ठीक है, देख लीजिए, साइन आई अपान साइन आर। ठीक है, साइन आर इज इक्वल टू नियतांग यानी के। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है, ये आर है आपका और ये आई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 80 का सही उत्तर सभी लोग देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? 80 का सही उत्तर, जी हाँ साथियों, क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, फिनॉल, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H5OH। ठीक है, कार्बोलिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 है, देखिए,
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर दीजिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, सही उत्तर देना है सभी को 81 का राइट आंसर। और वीडियो पसंद आ रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही, यहाँ पर जे थॉम्सन सही उत्तर सभी का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82, देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था? क्वेश्चन नंबर 82 का सभी छात्र आंसर देंगे 82 का राइट आंसर, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर सही है दोस्तों, मेधा पाटकर, ठीक है मेधा पाटकर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83 है, रडार का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर सभी लोग देंगे, रडार का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 83 का सही उत्तर, क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है दोस्तों, रडार का आविष्कार 1922 में A.H. टेलर तथा लियो सी यंग ने किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पाइरूविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर, जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 का सही उत्तर सभी लोग देंगे, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, सत्र कणिका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85, देखिए पादक कोशिका भित्तीय मुखता किससे बनी होती है? क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर सभी लोग दे देंगे फटाफट, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, लिपिड में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86, देखिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर देंगे सभी लोग, ऊर्जा का SI मात्रक याद करना है आपको, ठीक है क्वेश्चन नंबर 86 का सही उत्तर बी ऑप्शन, जी हाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही, यहाँ पर कौन सा होता है क्वेश्चन नंबर 86 का बी, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, वॉट, ठीक है। बाकी और देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि दिया गया है पास्कल, ठीक है तो पास्कल किसका होता है दोस्तों, पास्कल का एसआई मात्रक, पास्कल किसका होता है एसआई मात्रक, दाब का, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका दिया गया है ये बॉयल दिया गया है, ये गलत है, यहाँ पर दोस्तों बल लिखा होना चाहिए, ऑप्शन ए में जो है ये न्यूटन का होता है, ठीक है। फिर आपका जहाँ पर वॉट न्यूटन जो दिया गया है वो होता है बल का, पास्कल जो होता है वो होता है दाब का, और जूल या वाट आपका ऊर्जा का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊर्जा का पूछा जा रहा था तो वाट, और ये बॉयल कुछ भी नहीं है शायद, ठीक है यहाँ पर गलत दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का प्रकार नहीं है? कोयले का कौन एक प्रकार नहीं है बताना है, क्वेश्चन नंबर 87 का सही उत्तर, क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर दीजिए फटाफट, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लोह उल्का, बाकी लिग्नाइट, ठीक है बाकी ए सी बी सभी ऑप्शन सही, यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 88, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है बताना है, क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर फटाफट देंगे आप लोग, जी हाँ 88 का राइट आंसर सभी लोग देंगे जल्दी जल्दी, क्वेश्चन नंबर 88 का सही उत्तर, जी हाँ ए ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पर युग्म गलत है, पार्शेक जो है ये आपका दूरी का मात्रक नहीं होता है, ठीक है पार्शेक जो है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, एक पार्शेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी यहाँ पर सब ऑप्शन भी दे रखा था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए केवल थर्ड वाला गलत है, यानी कि प्रकाश वर्ष समय का नहीं प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी केवल तीसरा जो ऑप्शन है ये आपका सही सुमेलन नहीं है, ठीक है बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, देखिए कोहरा बादल कुआसा डैश को के उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 89 का सही उत्तर दीजिए, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90, देखिए वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर सभी छात्र दे दीजिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 90, जी हाँ सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सुंदरलाल बहुगड़ा,
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91। देखिए, एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए टीके की खोज की थी? क्वेश्चन नंबर 91 का सही उत्तर दे दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर, जी हाँ, 91 का आपका ऑप्शन सी सही यहाँ पर चेक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92। देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, सबको पता होना चाहिए। 92 का राइट आंसर फटाफट दे दीजिए, ठीक है। बाकी के जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं उसको भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, उनके द्वारा कौन, उनके कमी से कौन से रोग होते हैं, ठीक है। 92 का डी ऑप्शन सही है, विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है। बाकी यहाँ पर विटामिन बी जो दिया गया है दोस्तों, विटामिन बी के कारण कौन सी कमी, विटामिन बी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, होता है बेरी बेरी रोग, ठीक है। विटामिन सी जो यहाँ पर दिया गया है, इसके कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी के कमी से सक्रवी रोग के बारे में सुना होगा, सक्रवी रोग होता है, ठीक है। विटामिन के जो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, विटामिन के कमी से थक्का न जमना, थक्का न जमना, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, आई होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। 93 का देखिए क्या है, मानव हृदय का दाहिना भाग डैश रक्त प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 93 का उत्तर दीजिए, मानव हृदय का दाहिना भाग डैश रक्त प्राप्त करता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन बी यहाँ पर से दोस्तों, अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94। देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? 94 का राइट आंसर सभी छात्र देंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि, इनकी सबसे बड़ी सबसे लंबी ग्रंथि है? क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिगर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95। देखिए, द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सभी को पता होना चाहिए, 95 का राइट आंसर दीजिए फटाफट। देखिए, जो भी आपका जीएस पूछा जा रहा है, जनरल साइंस पूछा जा रहा है, वो 9th और 10th लेवल का पूछा जा रहा है ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों, ठीक है। अगर आपने 9th 10th का पढ़ लिया, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लिया, जो भी पढ़ रखा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 95 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, पास्कल के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96। देखिए, किस तापमान डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस तथा फारेनहाइट स्केल पर अंकीय मान समान हो जाते हैं? 96 का राइट आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। जी हाँ, 96 का राइट आंसर फटाफट दे दीजिए, ठीक है। 96 का आपका ऑप्शन ए सही यहाँ पर, -40 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97। देखिए, ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन नंबर 97 का सी ऑप्शन सही है, उत्सादन, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा उड़न राख का कारण है? क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर दे दीजिए फटाफट जल्दी दोस्तों, और वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। शायद बहुत से बच्चों को डाउट होगा कि आखिर वीडियो किस किस टाइम पे आती है, तो मैं आपको पूरा टाइम बता दूंगा कब वीडियो अपलोड होती है। क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही है, कोयला दहन ऊर्जा केंद्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99। देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर दे दीजिए सभी लोग, सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? क्वेश्चन नंबर 99, जी हाँ बिल्कुल सही, डी ऑप्शन सही है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? 100 का राइट आंसर दे दीजिए फटाफट दोस्तों, 100 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, कोशिकीय विभाजन के द्वारा। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किन लोगों का आंसर सही था। क्वेश्चन नंबर 101 बहुत ही सिंपल है, डीएनए, ठीक है, आपका डीएनए, ठीक है, डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है, ठीक है, यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, इन चारों में से आपको कमेंट करना है फटाक से कौन सा आंसर सही है, और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। अगर प्रैक्टिस सेट छूट गया तो चैनल पर जाके ले सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस सेट का प्लेस बन गया है सभी का। और दोस्तों, मैं टाइम बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो वीडियो है समान विज्ञान का, वो सुबह मॉर्निंग में 10 बजे आती है दोस्तों, ठीक है, 10 AM पे। उसके बाद में आपका नेक्स्ट वीडियो आता है शाम 5 PM पे, ठीक है, शाम 5 PM पे आपका समान हिंदी का। उसके बाद रात 9 PM पे आपका समान ज्ञान का प्रैक्टिस सेट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जी के लिख देता हूँ मैं,
यहाँ पर हिंदी लिख देता हूँ मैं, उसके बाद में आपका ये आपका GS हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग टाइम जान लीजिएगा, इसी टाइम पर आइएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को थम्सअप कर दीजिए। बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इस नोट्स को जरूर खरीदें दोस्तों। अगर आप तैयारी में अपनी चार चांद लगाना चाहते हैं तो इस नोट्स को पढ़ के जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे यहाँ पर। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नोट्स का है। 35 रुपीज़ के लिए बिल्कुल ना सोचें, अपने करियर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं अलग नहीं लगा रहे हैं, तो इसको जरूर परचेज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो शाम 5 बजे, तब तक के लिए आप सारे प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर।